पैर में इसकी इतना ज्यादा, ये लेफ्ट वाले में इतना ज्यादा दर्द है कि ये हिला भी नहीं रहा है, बहुत दर्द है बेचारे को। और फीवर भी अभी 102 है। बाबू बुलाओ डेरा को बेटा, डेरा गया है इसके बाहर, तो उनको बुला रहा है। डेरा को बुलाओ बेटा, जोर से बोलो और जोर से, डेडा डेडा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिफ्ट से राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाने वाले हैं पटना, उनको कुछ काम है तो उसके लिए वो रेडी हो गए हैं। और अभी 5 भी नहीं बजे हैं, हम उनको निकलना है क्योंकि यहाँ से पैसेंजर ट्रेन जाती है तो उससे ही हो जाएंगे, जिससे वो 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं तो बाद में फिर ट्रेन जो हैं वो यहाँ से नहीं है, जो भी है लेट पहुँचाएगी, और एक्सप्रेस है वो डुमरा जा, वो जाके दूसरी जगह लेना पड़ेगा तो थोड़ा दूर हो जाएगा। तो यहीं से वो सुबह ही जा रहे हैं। और फिर बाबू उठ गया था और उसको लगा डैडा गए हैं ऑफिस, तो वो बार बार बोल रहा था डैडा ऑफिस गए हैं, बट वो तो गए थे पटना। और फिर आज वो आएंगे भी नहीं। और अभी मैं खाना वाना सब बन चुका है, क्या हुआ, पैन खोलो पैन खोलो पैन खोलो। और लाइट भी आ रही है जा रही है, और साथ ही साथ मेरा खाना वाना भी बन चुका है। अब मैं अभी नहाई नहीं हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर उठ जाएंगे ना तो बनाने नहीं देंगे। और छोटे वाले की तबीयत तो ठीक है नहीं, इंजेक्शन लगा था उसको तो उसके पैर में इतना ज्यादा दर्द है कि वो बेचारा बच्चा कल से मतलब वो बेड पे नहीं रहता था, और अभी वो मतलब बेड से उतर नहीं रहा है, उसको टच करने में भी पूरे पैर में दर्द है। और कल तो उसको 102 और फिर 103 बुखार आ गया था, फिर अभी भी फीवर आ गया 100 है। तो फिर मैंने अभी उसको दवाई दिया खाना खिला के, और अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दूंगी, उसके बाद जाऊंगी नहाने। झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया था और ये है नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं जाए, बट जाना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं। और फिर अकेले संभालना थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सबको लगता है ऐसे कि बड़े हो गए हैं, बड़े क्या यार, ये लोग एक इधर कुछ करेगा ना, और इन दोनों का पता नहीं क्या है, साथ में सोएंगे साथ में उठेंगे, पॉटी करनी है तो दोनों साथ में करेंगे पता नहीं कैसे दिमाग खराब हो जाता है मेरा। एक को इधर संभालो फिर एक को उधर संभालो, वो तो बहुत बेचारे वो लोग अच्छे हैं बीच करके, जो अरुंधति और उनकी बाकी बहनें लोग हैं उनको मैंने बोला हुआ है कि ये है नहीं, तो सुबह से अभी वो लोग यहीं पे हैं। मैं खाना भी बना रही थी तो देख रहे थे, अभी छोटे वाले को दवाई दिया ना तो वो वॉमिटिंग जैसा कर रहा था, तो अभी उसको लेके गई हैं। अब फिर बाकी उन लोगों ऐसा थोड़ी है कि वो लोग पूरे टाइम मेरे साथ ही रहेंगे, कुछ ना कुछ काम रहेगा ही उन लोगों को, तो उन लोगों को भी जाना ही पड़ेगा। बट आगे देखिए कुछ होता है तो और फिर दिखाती हूँ, और आगे की बातें करते हैं फिर थोड़ी देर बाद। तब तक मैं आती हूँ नहा कर, तो फिर मिलते हैं। और यहाँ पे इसको देखिए, ये ना मुझे कपड़े धोते देख रहा था तो ये सेम मुझे कॉपी कर रहा था। और जो है मैं बाकी कपड़े तो मशीन में धो लेती हूँ, बट इनके कपड़े जो होते हैं ना उनको मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि इनके कपड़े मशीन में धुले। कोई भी मशीन हो चाहे कितनी से महंगी हो, अगर आप अच्छे कपड़े उसमें डालोगे तो वो खराब होनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं इनके अच्छे मतलब एक तो व्हाइट कपड़े थे, व्हाइट शर्ट्स वगैरह थी, तो नहीं डालती हूँ मैं कोई भी कपड़ा। दोनों बच्चे वो सो रहे हैं और मैं एक दो शॉर्ट्स बना रही थी, फिर सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि आज ये गए हैं पटना, तो आज रात में भी नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा मेरे को टेंशन रात की होती है, मतलब दिन में तो चलो मैं संभाल लूँगी जैसे तैसे करके, बट रात में मतलब वो दोनों ना सोते टाइम ज़्यादा परेशान करते हैं, और फिर बीच में भी अगर उठ जाते हैं तो दोनों साथ में उठ जाते हैं, तो ऐसे ये रहते हैं। ये तो बड़े वाले को देख लेते हैं, बट छोटे वाले को फिर मैं देखती हूँ, और नहीं तो फिर दोनों मतलब पागल कर देंगे मुझे। तो बस रात की ही टेंशन है, मेन टेंशन रात की है। दिन में भी अभी सोने के लिए दोनों मतलब एक साथ ही परेशान करने लगे, उधर छोटा वाला रो रहा है उधर बड़ा वाला रो रहा है, दोनों रोए जा रहा है। फिर अरुंधति आई तो वो एक को लेके गई, फिर मैंने बड़े वाले को सुलाया, देन वो गया तो छोटे वाले को फिर सुलाया। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे गाइस, मतलब क्या ही बोलूँ, बड़े हो गए हैं, बड़े क्या अभी भी वो लोग छोटे ही है यार। उन लोगों को भी थोड़ी समझ है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, बस चलने लगे हैं खाने लगे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि बहुत बड़े हो गए हैं। उन लोगों को संभालना भी अभी बहुत ही मुश्किल काम होता है, दिमाग खराब हो जाता है मेरा तो,
कभी कभी तो समझ में नहीं आता क्या करूं, गुस्सा आने लगता है, मन करता है मार वार दूं, बट मारने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन लोगों को समझ ही नहीं है, अगर समझ होती तो वो लोग थोड़े इतना परेशान करते हैं। तो बस कभी कभी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और बस माता रानी, बस अच्छे से, इसलिए आज पता है खाना वगैरह भी मैंने सब कुछ चावल वगैरह सब कुछ सुबह ही बना दिया था कि दोपहर में मेरे को ऊपर जाना ना पड़े, बस जाऊं तो खाना लेने जाऊं और शाम में फिर बर्तन वगैरह धुलने होंगे, वो तो मैं धो ही लूंगी, थोड़ा बहुत घूमने जाएगा तब तो मैं कर ही लूंगी। बाकी मौसम भी बारिश बारिश जैसा हो रहा है बाहर, बाकी सब तो सही है। बस अब उसका पैर भी मतलब पहले से सही है, अब थोड़ा बहुत चल रहा है, नहीं तो सुबह तो मतलब वो पता है खड़ा भी नहीं हो रहा था, मतलब खड़ा करने पे भी रोने लगा, और कल भी ऐसे ही कर रहा था, मुझे तो मतलब थोड़ा सा डर भी लगने लगा कहीं कि इंजेक्शन वगैरह गलत तो नहीं लग गया ना, जो उसको इतना ज्यादा पेन हो रहा है। मतलब पहले भी लोगों को मैंने इंजेक्शन दोनों को बड़े वाले को भी लगाया, बट इस तरीके से नहीं किया किसने, मतलब ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा था, पैर रख ही नहीं रहा, उसको इतना दर्द हो रहा था और सिर्फ रो रहा था, गोदी में रह रहा था और बेड पे, जबकि ये बच्चा ऐसा है कि बेड पे रह नहीं सकता है शांति से, 5 मिनट भी बैठ नहीं सकता है, और वो बच्चा बेड से नहीं उतरता था, गोदी से नहीं उतर रहा था, देख के थोड़ा सा डर, और फीवर भी उसको उतना ही ज्यादा, 102 था, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ के 103 आ गया था, फिर दवाई मंगा के, मैंने घर पे दवाई थी बट वो शायद खुल गई थी, 1 मंथ से ज्यादा हो गया इसलिए उसका उतना असर नहीं था, बोलते कि दवाइयाँ ज्यादा दिन की खुली हुई नहीं दी जाती है, उनका असर नहीं होता है, तो फिर दवाई मंगाई गई, जो जब दोबारा दवाई दी तो फिर उसको बहुत पसीना आया, उसका फीवर, उसको ठंड लगने लगी थी, ठंड इतनी लग रही थी कि उसको चादर वगैरह उड़ाना पड़ रहा था, तो मतलब ऐसा हो गया था कल, और मुझे टेंशन भी हो रही थी कि इनको जाना है और फिर अकेले मैं क्या ही करूंगी, बट माता रानी है ना मेरे साथ कोई। तो गाइस अभी क्या बोलूं, बाबू को फिर से बुखार आ गया, अभी बज रहे शाम के 5 और उसको फिर से बुखार आ गया, उसकी पूरी बॉडी जल रही है, अभी तो दवाई उसको दिया है, खा नहीं रहा था दवाई, रो रहा था, तो सोचा उसको सुला दूं तब तक वो आ गई, तो बाहर जाने के लिए करने लगा, तो हल्का सा मैं बोली 2 मिनट घुमा कर ले आइए, नहीं तो फिर रोने लगेगा, और रोने लगेगा तो वॉमिटिंग ना कर दे, इसलिए उसको भेजे है, 2 मिनट में वो लेके आएंगे, फिर मैं सोचू उसको सुला दूं, और मुझे बर्तन वर्तन भी करने हैं, और मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ, सच में मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब मेरे को अब ना इरिटेशन हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ऐसे वो रहते थे ना, तो मतलब वो रहते हैं ना, तो थोड़ी देर शाम में तो आ ही जाते ऑफिस से, या 3-4 बजे देखिए दवाई गिरा दिया, तो घुमाने बाहर लेके चले, और एक ये लड़का सुबह से फोन देख रहा है, मेरा तो दिमाग ही खराब करके रखा है, कुछ और कर भी नहीं सकते हैं, एक को संभाल रहे हैं तो दूसरे को तो कुछ किसी चीज में बजाना है ना, ये सुबह से फोन लेके बैठा हुआ है सिर्फ, तुम्हारा तो पिटी होगा, डैडा पिटी करेंगे ना, ठीक हो जाओगे तुम, अब मुझे बर्तन वगैरह भी धोना है, किचन भी साफ करना है, तो लेकर आ जाए, फिर मैं उसको सुलाऊंगी, उसके बाद ऊपर जाऊंगी किचन साफ करूंगी, ऊपर से रात हो रही है ना तो और दिमाग खराब होता है, ऊपर से बच्चे की तबीयत खराब और अकेले और ज्यादा दिमाग खराब, मन अब चिड़चिड़ा सा हो रहा है मेरा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसे ना 1-2 घंटे वो 1-1.5 घंटे तो बाहर घुमा ही देते थे, तो इन लोगों का मन भी अच्छा हो जाता था, ये लोग भी थोड़ा खेल लेते थे, अभी ये लोग भी घर में बैठे बैठे ये तो फोन ही देखे जा रहा है, और वो भी बाहर जाने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकर के तो गई है पर उसकी पूरी बॉडी जल रही है, तो गाइस अब इससे ज्यादा मैं आज के लिए नहीं कर पाऊंगी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।